सुनो शिव भक्तों, एक इच्छाधारी नागिन का जैसा पानी भी नहीं मांगता, पर आज जो जहर इस पर चढ़ा है वो बहुत बड़ा है। इसकी नसों में फैलता जा रहा है, उसे रोकना होगा। आओ रोको, हर हर महादेव। शिवन्या चाहे कहे ना कहे, प्यार तो हो गया उसे ऋतिक से। नहीं होना चाहिए, कमजोर कर देगा ये प्यार उसे। बेटे से प्यार करेगी तो बाप को कैसे मारेगी, अपने माँ बापा का इंतकाम कैसे लेगी। मुझे ही कुछ करना होगा जिससे ऋतिक शिवन्या से नफरत करने लगे। डेढ़ हफ्ते देखी नहीं कि पीछे से हमला। अगर गले लगाना ही है तो खुल के गले लगाओ। बीवी हो मेरी, इतना हक तो बनता है तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं, मैं ये कुर्ता देने आई थी। मैं ये कुर्ता नहीं पहनूंगा, पहले पैजामा पहनूंगा। ओके? जहर को काटता है, सोख लो इसके शरीर से सारा जहर। ये शहर तो बहुत घातक है। ये जहर तो चढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे उतारूं मैं? अब तुम खोल सकती हो। मतलब आंखें। चलकर सो जाए। तुम बिस्तर लगाओ, मैं पानी लेकर आता हूं। ये बिस्तर तो बना हुआ है, और कितना बना? पिलो नहीं रखा? तुम बताओ क्यों नहीं रखा? तुम बताओ क्यों रखूं? तुम बताओ क्यों नहीं? तुम बताओ ना क्यों? अच्छा, तो मेरे करीब आने की प्लानिंग चल रही है। प्यार करना चाहती हो, इसीलिए आज बीच में पिलो की दीवार नहीं बनाई। ओह, तो शिवन्या ये दीवार बनाती थी? तो ठीक है, आज दिलों की दीवार भी तोड़ देते। तोड़ दूंगी,
मतलब अच्छा तो डेढ़ हड्डी को दाने डाल रही, डालो डालो, एक दिन तुम खुद आओगी और ये दीवार है ना तोड़ के मेरे पास आओगी। ये ऐसे क्यों छू रहा है मुझे? सॉरी, वो मैंने तुम्हें जगा दिया। वो एक्चुअली मैंने बहुत डरावना सपना देखा, बहुत भयानक है कि तुम्हारी पीठ जख्मी है और बहुत खून बह रहा है, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें। शिवन्या तुम ठीक तो हो ना? इसे यहाँ तक महसूस हो रहा है शिवन्या का दर्द? बोलो शिवन्या तुम ठीक हो ना? खंजर नागिन को मारा था तुमने, जख्मी वो हुई है, तो जख्म मेरी पीठ पर कैसे? नागिन हूं मैं, ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं नहीं, वो मैं बहुत डर गया था। पता नहीं ऐसा क्यों सपना आया मुझे कि तुम्हारी पीठ जख्मी और तुम्हारा खून। नागिन को मारोगे तो नागिन ही आएगी ना इंतकाम लेने। आज सपने में आई, कल सच में आ गई तो? अब तुम डरा रही हो मुझे, डराना छोड़ो। तुम नागिन को खंजर मारना छोड़ो, सुना है किसी नाग नागिन की हत्या करो तो वो 100 साल बाद भी बदला लेने आते। मत करो ये सब, सो जाओ। अब तो मुझे एक ही जगह नींद आएगी। कहाँ? यहाँ। ये निशान मैंने कहीं देखा है, कहाँ? इस घर की दीवार तो दीवार, इंसानों के बदन में भी रास गड़े हुए हो ना हो, कोई तो सुराग है नागमणि का इस घर में। मुझे पता लगाना होगा कहाँ होगी नागमणि। नागमणि मेरे पास है। वो क्या है ना भाभी, मैं आई थी यहाँ पे आपसे मिलने, लेकिन आपको नहीं मिले, ये इंटरेस्टिंग बुक मिल गई। सॉरी भाभी, आपसे बिना पूछे ले गई। आपकी नागमणि की कहानी? आप कोई बात नहीं। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बुक है भाभी, राजा महाराजा नागमणि नाग, कितने बुरे लोग थे वो लोग, नागमणि के लिए नाग नागिन को मार दिया। वैसे ना भाभी, मैं ऐसी कहानियां ना और ढूंढूंगी नेट पे, और अगर आपके पास और ऐसी बुक हो ना तो प्लीज मुझे दे देना। ये लो भाभी। नागमणि की कहानी, ये किताब कहाँ मिली शिवन्या को, और उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? ये निशान, ये तो वही निशान है जो ऋतिक की गर्दन पे है, पर ये निशान इस किताब में, नागमणि की कहानियों में ये निशान, इसका मतलब नागमणि से इस निशान का कोई ना कोई संबंध जरूर है। पर ऋतिक की गर्दन पे ये निशान क्यों? शायद इस किताब में ही लिखा हो। ये निशान उन लोगों के शरीर पे होते हैं जो ये किताब, ये तुम्हारे पास कैसे है, कहाँ मिली? वो दिव्या को मिली शायद कहीं घर में, पता नहीं किसकी है। क्यों, मतलब आप क्यों पूछ रहे हैं, कोई राज है? मतलब कुछ खास है क्या इस बुक में? राज क्या हो सकता है, दरअसल मैं इसे पढ़ रहा था,
कहानी कहीं बीच में अधूरी अटक गई जहां पर उसे अधूरी अटकना नहीं चाहिए था। क्वाइट इंटरेस्टिंग, आज पूरी करूंगा इसे।